पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सीधी बसें चलाने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 15 जून से होगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, एनआरआई हमेशा शिकायत करते थे कि एयरपोर्ट आने जाने के लिए प्राइवेट बसों से जाना पड़ता है। सीएम मान ने कहा है कि इन सरकारी वॉल्वो बसों का किराया प्राइवेट बसों के आधे से भी कम होगा और इनमें सहूलियतें उनसे ज्यादा होंगी। इन बसों में बुकिंग के लिए पंजाब रोडवेज पनबस ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। बसों का टाइम टेबल भी इन वेबसाइट से मिल जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडा में भारतीय मामलों के उच्चायुक्त कैमरून मैके से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान कनाडा में रह रहे गैंगस्टर्स की वजह से पंजाब के खराब हो रहे माहौल पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। साथ ही इस तमाम अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई किए जाने पर रणनीति तैयार करने की भी चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन सब अपराधियों के खिलाफ कनाडा सरकार से जल्द से कानूनी कदम उठाने की भी बात कही है ताकि उन अपराधियों को भारत ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पंजाब सीएम की ओर से दिए गए सुझावों को उच्चायुक्त कैमरून ने भी गंभीरता से लेते हुए इस पर जल्द अमल करने का आश्वासन दिया। पंजाब सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने वालों के लिए राहत दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने अब 2500 रुपये प्रति हॉर्स पावर ब्रेक तय किया है जो पहले 4700 रुपये प्रति हॉर्स पावर था। पंजाब सरकार के इस फैसले के से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विजय सिंगला को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई है। फिलहाल विजय सिंगला को रोपड़ की जेल में बंद किया गया है। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान मोहाली कोर्ट ने साधु सिंह धर्मसोत को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साधु सिंह धर्मसोत को विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें पहले 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया था। तो वहीं इस केस में दूसरे पूर्व वन मंत्री की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है। पटियाला केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रतिपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की है। इस दौरान जेल से बाहर आकर के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत का हालचाल जानने पहुंचे थे। नवजोत सिंह सिद्धू इस समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उनके टेस्ट पीजीआई में किए गए हैं वो रिपोर्ट आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। संगरूर लोकसभा के लिए उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लो के लिए बरनाला में रैली की गई है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, पूर्व मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता परमिंदर सिंह ढिंडसा शामिल हुए हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब दोनों ही अपराधियों की गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। सीबीआई ने 2 जून को इंटरपोल से इसका अनुरोध किया था। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ही गायक मुसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाले सतेंद्र जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ 2017 में स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने गैंगस्टरों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। गैंगस्टरों से जेल में मुलाकात और फोन पर बात करने के दौरान उन पर नजर रखी जाएगी और इसके साथ ही जेल प्रशासन ने गैंगस्टरों के जेल बदलने के साथ साथ उन पर सीसीटीवी कैमरों का घेरा भी मजबूत करने का फैसला किया है।
मोहाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर पुलिस ने एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 50 ग्राम हेरोइन और 5,80,000 ड्रग मनी बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक का गैंगस्टरों के साथ संबंध है और आरोपी युवक खरड़ एरिया में नशा तस्करी का काम करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अमृतसर पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से 10 बाइक बरामद की गई है। साथ ही उन्होंने दोनों आरोपी सचखंड श्री हनुमंदिर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं के दो पहिया वाहन चोरी करते थे। पुलिस ने कहा है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मोहाली की डेराबस्सी में दिनदहाड़े लूट का मामला सामने आया है। डेराबस्सी के बरवाला चौक के पास SBI बैंक के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार करके 1.5 करोड़ रुपए लूट करके फरार हो गए। तो वहीं गोली लगने से मोहम्मद साजिद घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसकी हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के GMCH रेफर कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अमृतसर में सिख संगत द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ फतेह दिवस मनाया गया है। इस मौके पर श्री हरमंदिर साहिब से किला लोहगढ़ तक नगर कीर्तन सजाया गया। दरअसल श्री हर गोविंद साहिब जी द्वारा भेजे गए जत्थे ने इस दिन मुगलों के खिलाफ पहली लड़ाई जीती थी, जिसके चलते मुगलों के खिलाफ पहले युद्ध में जीत का जश्न मनाया जाता है।